समझ में आया? नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो गाइज आज के वाले वीडियो में गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा तगड़ा मिशन करने जा, मिशन तो नहीं, एक बहुत तगड़ी फाइट करने जा रहे हैं, वो भी हम लोग के मतलब विलेज के ऊपर होगी रेड। और उस रेड से गाइज मतलब अगर हम लोग जीतेंगे तो हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा, मतलब टोटम मिलता है गाइज उस रेड से, बहुत ढेर सारे टोटम मिल सकते हैं। और मतलब देखते हैं रेड कितनी लंबी चलती है। एंड यहाँ पे मेरे डॉग की आर्मी है, इसको भी मैं उठाता हूँ। और रेड का सिंबल तो आ चुका है। एंड यहाँ पे गाइज मैंने जो एक विलेजर को कैच करके रखा था, सबसे पहला विलेजर जाओ उस कुत्तों का कुत्ता बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने विलेजर को कैच करके रखा था ना, हो सकता है वहीं पर रेड हो अपनी, तो अब तक स्टार्ट हो जानी चाहिए थी रेड। बट कोई बात नहीं, अब तो एक बार हम लोग अपने ट्रेडिंग हॉल के पास जाके देखेंगे कि वहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है। तब तक मैं इनको कुछ खाना खिला देता हूँ, खा लो शेरो, क्योंकि आज कुत्तों का कुत्ता बना रहा है। गुड मॉर्निंग जी, तो हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग हॉल के पास। एंड शायद से यहाँ पे रेड हो, ओके गाइस, तो यहाँ पे रेड हो रही है। मैं एक काम करूँगा, सर लड़ गया मेरा, कोई बात नहीं। मैं गाइस एक काम करता हूँ, यहाँ के जो प्रेशर प्लेट है ना, इनको तोड़ देता हूँ। मान लो कोई प्लेजर या कोई भी जो मतलब फाइट में आएंगे ना, अगर वो यहाँ स्पॉन हो गए तो वो अंदर चले जाएंगे एंड अब नहीं जा पाएंगे। मैं एक हाथ में रख लेता हूँ जिससे मैं तुरंत अंदर जा सकूँ अगर अंदर स्पॉन हो गए तो, ओके। या ये तो भाई चूरन है, बस चार ही हैं, कोई बात नहीं। इनको तो भाई चैलेंज मिला था, मैं यहीं से मारूंगा, ओके। एक को तीर लग गया, ये मिस हो गया, एक मर गया गाइस, तीन बचे हैं, यहीं से भाई इनको ख़त्म कर दूंगा। भाई मैं निशाना प्रो है भाई, बीस्ट बॉय का निशाना तो मतलब प्रो लेवल वाला है भाई, यहीं से मैं सबको ख़त्म करूंगा। एक लास्ट बचा है, बाय बाय, ओके। फर्स्ट रेड अपनी हो चुकी है, सेकेंड रेड स्टार्ट होने वाली है। एंड आयरन गोलम्स बच्चों, मैंने अब गाइस डॉगी को नहीं लेके आया है, क्योंकि मैं उड़ूंगा इधर से उधर जाऊंगा, वो भी टेलीपोर्ट होंगे, मैं मारूंगा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है मेरी डॉगी मर जाए। एंड मैं नहीं चाहता कि मुझे वापस से जाना पड़े, डॉगी ले रहे हैं, इट्स वेरी बकवास काम भाई, ओके। वहाँ पे स्पॉन हो, एंड अब की बार वो एक्स वाले बंदे भी आए जो एक्स चला के मारते हैं, ओके। पहला मिस हुआ, दूसरा भी मिस हुआ, क्या हो रहा है भाई? ये लगेगा कन्फर्म हेडशॉट, ओके, लेकिन मरा नहीं, कोई बात नहीं। ये मिस हो गया भाई, क्या हो रहा है, मिस क्यों हो रहा है भाई? ये लगा हेडशॉट, इसको भी लगा हेडशॉट, फिर से लगा गाइस इसको, अब की बार इसको मारूंगा भाई, ये मिस क्यों हो रहा है, ओके। एक मार गया, ये भी गाइस एक शॉट का ही है, बाय टक से, ओके। एंड इसको मार के गाइस हम लोग चलते हैं उस तरफ, क्योंकि उस तरफ हम लोग को कुछ तरह चलाना है, सॉरी मतलब यहाँ पे गाइस मतलब जो अपने एमरल हैं वो हो सकता है डिस्पॉन हो जाए हम लोग के पहुँचने से पहले, तो अभी तो डिस्पॉन नहीं हुए थे तो मैंने ले लिया है, बट हो सकता था डिस्पॉन हो जाए तो अपने एमरल बर्बाद हो जाएंगे। एंड भाई मैं एमरल नहीं बर्बाद कर सकता, क्योंकि अभी तक अपने पास कोई रेड फार्म नहीं है। एंड मैं जल्दी रेड फार्म बना लूँगा फुल्ली ऑटोमेटिक वाला, एंड वो रेड फार्म की वीडियो जब आएगी ना तो भाई सब आप मतलब दिल खुश हो जाएगा भाई, क्योंकि वो ऐसा तगड़ा रेड फार्म रहेगा। ऊपर भी एक एमरल, टोटल देखते हैं कितने एमरल हैं। ये गाइस दूसरी रेड चल रही है एंड दो बंदे, ओके यहाँ एमरल नहीं है, कोई बात नहीं। वहाँ पे गाइस दो बंदे बचे हैं, फटाफट चलते हैं उनको भी खटाखट 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 मारते हैं। एंड उसके बाद फिर अपनी थर्ड रेड स्टार्ट हो जाएगी। तो किधर है, पानी के अंदर अभी, किधर डिस्पॉन हो गए क्या भाई? वे ऊपर उठ, कहाँ गए भाई? हेलो, ओके इधर छुपे हैं भैंस की टांग भाई, दम जैसे शेर शिकार करते हैं ना प्यार से, वैसे मैं भी नीचे से जाऊंगा। ये धप्पा, अच्छा कुछ नहीं हुआ, ओके। अब की बाबा पर अच्छा लग रहा है, इसने देख लिया, कोई बात नहीं। शार्क की तरह धप्पा भाई, मेरे मतलब शॉर्ट में मैंने नोक बैक और शार्पनेस लगा लिया है, तो आप लोग देख ही पा रहे भाई, एक शॉट मारने पे एक बंदा कलकत्ता जा रहा है तो एक बंदा दिल्ली जा रहा है, ओके। आ जा बेटा, ओके, 3 2 1, वन बोलने से पहले मार दिया, क्यों? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे गाइस मैंने फूड खा लिया, थर्ड रेड स्टार्ट होने वाली है। एंड मेरी जो ये मतलब क्या कहते हैं इसको, चेस्ट प्लेट है, इसकी हेल्थ ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इलेट्रा में लड़ रहा हूँ। भाई सोचो इलेट्रा में लड़ रहा हूँ भाई, मतलब मजाक हो रहा है भाई, मजाक कुछ भी हो रहा है भाई। जितना फालतू का सामान सारा फेंक देते हैं, ऐसे बोन रख लेता हूँ क्योंकि उससे बोन मील बनेगा। और वेट प्लीज़ टैलेंट दे दियो, तुझे तेरी घर वाली कसम वापस से, हाँ घर वाली कसम दे दे। दे दिया भाई, फाइनली दे दिया, सेल दिया क्या, वो हो सकता है मेरे मतलब अंदर इन्वेंटरी में आ गया हो। बच्चों कौन मारा बे, कौन, ओके एक और ट्राइडेंट। भाई सच में पॉकेट में ट्राइडेंट वालों की कमी नहीं है, मतलब जावा में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, बट पॉकेट में तो भाई अभी एक को मारा। एंड वेट भाई, ओके नहीं दिया भैंस का चूरन, तेरी तारीफ कर रहा था तू दिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, तारीफ के लायक ही नहीं है बेइज्जत इंसान। थर्ड कहाँ पे हुई है भाई, मुझे तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, इधर तो मनाली है, इधर कलकत्ता है, इधर जम्मू है, मुझे दिख तो नहीं रहा। उड़ते हैं एक बार, हो सकता है आगे की तरफ रेड हो, किधर, ओके ओके ओके, अपने आयरन गोलम उनको कूट रहे हैं,
कूटो भाई, कूटो कूटो कूटो। एंड भाई लगता है मेरा एक आयरन गोलम मर गया। राइट साइड में देखो गाइस आयरन पड़ा हुआ है। एंड हाँ भाई एक आयरन गोलम मेरा मर गया, बट कोई वैसे मेरा नहीं था, ये खुद स्पॉन हुआ था। तो रेट खत्म क्या? नहीं अभी दो बंदे बचे, ये दोनों चूरन बचे हैं। भाई भाई तगड़े बंदे भेजो यार, तगड़े बंदे। डर गए क्या माइनक्राफ्ट वालों? भाई ये लोग मतलब बीस्ट बॉय से डर गए भाई, लगता है मतलब सोच लिया भाई बीस्ट बॉय को हम हरा देगा, बीस्ट बॉय से डर गए भाई ये लोग, क्या कर सकते हैं अब। और भाई ये क्या नौटंकी है भाई, रेड क्यों जितवा दिए भाई क्या यार? पांच आयरन मिला, इसको मैं रिपेयर कर देता हूँ। मतलब इतनी जल्दी बस तीन ही रेड, क्या कोई टोटम वाला बंदा ही नहीं आया इसमें? भैंस की टांग भाई, सच में माइनक्राफ्ट वाले डब्बू हैं भाई, डर गए यार मुझसे भाई, मुझसे सब कोई डरता है यार। मतलब बीस्ट बॉय भाई, नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। जितने एमरल्ड मैं उठा लेता हूँ, मतलब समझ रहे ना, बीस्ट बॉय भाई नाम सुन के लोग डर जाते हैं। आप लोग इसकी बात कर रहे हो? एंड शांति से खड़ा हो जाए भाई, कौन से सस्ते वैसे कर लिए। सही है, एक आयरन बचा है मेरे पास, चलते गाइस देखते हैं मतलब अंदर क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगाते हैं, मैंने उल्टा लगा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बड़ू, कोई बात नहीं, खुल जा सिम सिम। ओके यहाँ पे सारे अपने वर्क बेंच पे बैठे हुए हैं। एंड सबका ट्रेड भाई बहुत कम हो चुका होगा, इसका कितना चल रहा है? ओके 17-16 भाई साहब, देखो 16 एमरल्ड में ये मुझे मेंडिंग की बुक दे रहा है भाई, मतलब मजाक है के मजाक ही लग रहा है मुझे तो, बट कोई बात नहीं। ये क्या दे रहा है? 11-7 एमरल्ड फ्लेम की गाइस ये बुक दे रहा है, फ्लेम की। और कोई है चूरन? ओके तू तो बुकशेल दे रहा है अपने हाथ में पकड़ लिया। ओके 7 एमरल्ड में एक बुकशेल भाई साहब, मतलब हाँ मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है, बट छोड़ो इसको, मुझे क्या लेना देना भाई। ओके यहाँ पे एक वो है क्लैरिक है, तू क्या दे रहा है भाई? प्लीज कुछ अच्छा दे दे, रेडस्टोन दे रहा गाइस, ले ले क्या? वैसे रेडस्टोन मेरे पास अभी बड़ा होगा तो लेने की जरूरत नहीं, कुछ अच्छा जैसे ब्रिक मैं लेता हूँ भाई, ब्रिक या स्टोन मैशन के पास जाके ब्रिक ले लूंगा। तू क्या दे रहा है भाई? कुछ अच्छा दे प्लीज, तू भी वही दे रहा है, इससे नहीं लेना भाई। गोल्ड से मैं क्या ले सकता हूँ? वेट देखना पड़ेगा। गोल्ड से गाइस मैं एमराल्ड ले सकता हूँ। एंड यहाँ से मैं मैशन से, भैया जी बाद में आप कॉल करिएगा, ऊपर कर भाई। ओके तो यहाँ से फटाफट मैं ब्रिक्स ले लेता हूँ, और मेरा दोस्त कॉल कर रहा था तो मतलब मैं अभी वीडियो बना के उसके बाद उससे बात कर लूँगा, टेंशन मत लो आप लोग, मैं बात कर लूँगा। तो ओके यहाँ पे शायद से ओके भाई एक्सपी की बारिश, मतलब भाई सोचो कि एक्सपी मेरे पास आई क्यों नहीं, एक्सपी की बारिश। एंड भाई यार क्या नटंग किया है तेरा, मतलब नहीं बता। ओ शुद्ध बुद्ध खोया है खोया ये क्यों, ओ शुद्ध बुद्ध खोया है खोया ये क्यों, आई डोंट नो गाइस। तो आप लोग कमेंट बताना कि शुद्ध बुद्ध क्यों खो दिया अपना भैंस का। इलेटर निकाला तो चस्पेट निकल रहा है, चस्पेट निकाला तो इलेटर निकल रहा है। तो गाइस बाकी लोग मुझसे डरते होंगे, आप लोग मत डरना क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो अच्छे इंसान को सपोर्ट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't